असलमकम अब्री मैन कैसे हैं आप आज मैं आपको क्यूट सा बेबी ड्रेस जो कि मैंने बनाया था वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये छोटा सा ये ओ टू थ्री साइज़ का बेबी ड्रेस मैंने बनाया है लेकिन अगर कोई बच्चे बच्चे की हेल्थ इतनी अच्छी नहीं है तो वो अप टू सिक्स ईयर सिक्स मंथ तक भी आ सकता है और साथ इसके साथ मैंने इसके मैचिंग शूज़ बनाए हैं ये देखिए इसके साथ मैचिंग शूज़ बनाए हैं तो अभी तो ऐसा करते हैं कि पहले हम आज शूज़ बनाना सीखते हैं ठीक है उसके बाद मैं आपको ड्रेस बनाना भी सिखाऊंगी ये इसकी बैक साइड है ये देखें तो आज हम सबसे पहले ये जो मैंने शूज़ बनाए थे ये बनाना सीखते है। मैंने आ, इसको मैंने ऐसा किया था कि लाइले कलर वही लेके और उसकी आउटलाइन मैंने डार्क का डार्क कर, कर, कर दिया साइडों में तो अब मैं जो दूसरा कम्बिनेशन बनाने वाली हूँ वो मैं इसका पिंक और ग्रे बनाने वाली हूँ ये मैंने एक शूज़ को इस तरह बना लिया है आपको दिखाने के लिए आप इसको ऐसे स्टिच करेंगे तो ये शूज़ फॉर्म में आ जाएगा ठीक है दूसरा मैं आपके साथ बनाती हूँ अब इसको स्टिच अभी करना है इसके लिए मैंने ऐसा किया ये ओ टू थ्री साइज़ के बच्चे के पूरे होंगे और ये ये ऐसे ये रोप लगाने का मकसद ये है कि बच्चे के हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो ना तो वो भी पाओ में फिट रहता है ऐसे उसको जितना आपने टाइट करना है या लूज़ करना है वो फिट कर सकते हो यहाँ मैंने बीड लगा दी ठीक है इसके लिए मुझे चाहिए एक्चुअली फोर्टी नाइन स्टिचे फोर्टी नाइन स्टिचेस फोर्टीन स्टिचे दिस वन ट्वेंटी वन ये गैप ये जो प्लेन पोर्शन है वो और फोर्टीन ही इसके ठीक है ये मैं इसको फोर्टी नाइन इसके स्टिचेज हैं टोटल फोर्टी नाइन है ये फोर्टीन है ट्वेंटी वन है और फोर्टीन है ओके चलो तो हम इसको बनाना शुरू करते हैं ठीक है ठीके? ये मैंने एक सिलाई में फोर्टीन नाइन स्टिचेस डाल के रखे हुए हैं ये तो आपको कास्ट करने आते होंगे कास्ट किए हुए हैं तो अगर नहीं तो उसकी भी मैंने वीडियो डाली थी आप वो भी मेरी पुरानी ओल्ड uh, वीडियो में से देख सकते हो ऐसे बनानी इसको स्टार्ट हम उल्टा से करेंगे ये मैंने ये देखिए थोड़ा सा इसको अभी ये नीचे वाला जो बैक ये आता है ये ये सीधा सीधा बनाया हुआ है ना ये अभी बन रहा है ठीक है ये दूसरी पे ऐसे इसको सिंपल उठाओ धागे को पीछे कर लो ठीक और ये पूरी ऐसे बना लो ये मैंने इसकी फोर तकरीबन सिलाइयां डाल ली हैं सबसे पहले तो ये मैंने बताया था जैसे मैंने फोर्टी नाइन ये इसके स्टिचेस लिए थे उसके बाद मुझे ये मैंने फोर्टी नाइन के बाद ये जो नेक्स्ट डाली थी वो मैंने इसको पर्ल किया था ये पर्ल जो रॉन्ग साइड होती है सीधी ए, उल्टी सिलाई और फिर मैंने एक इसको निट बनाई निट जो सीधी सिलाई होती है फिर मैंने एक पल की फिर एक निट की अब इसका पैटर्न की पैटर्न शुरू होने वाला है ठीक है पैटर्न में ये देखें इसकी तैयारी करनी शुरू करते हैं पैटर्न में ये कि ये वाला जो है ये थ्री स्टिचेस में जाता है एक को मैंने इसको गैप स्पेस दिया है स्किप किया है फोर जो है वो उसकी केबल की बनती है फिर एक गैप होता है ये और ये ये इस फोर, टोटल फोर्टीन स्टिचेस पे ये इतना पैटर्न जो कि साइड पे जाएगा शूज के ये बनता है ठीक है अब ये मैं इसका पैटर्न बनाने लगी हूं उसके लिए मुझे आ, हम रॉन्ग साइड से शुरू करेंगे हम पल से शुरू करेंगे मैं पैटर्न शुरू करने लगी हूँ उसके लिए हम रॉन्ग साइड सिलाई की इस रॉन्ग स्लाग साइड से इसकी इसका शुरू करने वाले हैं ओके पर्ल से पहला वाला खाना पहले वाला जो स्टिच है वो मैं ऐसे डाल के इसको आगे का लूँगी वैसे उठा लूँगी ठीक अब मुझे थ्री पर्ल करने हैं ओके वन आगे करके इसका सीधा नीट बनाना है फिर मुझे फोर पर्ल यानी उल्टा बनाना है फिर ऐसे करके ये निट बनेगा थ्री पल क्योंकि okay, ये रॉन्ग साइड है और ऊपर दूसरी तरफ जाके ऑपोजिट अब ये थ्री पल हो गए अब एक निट हो गए अब मैं जो ट्वेंटी नाइन उल्टे डालू ट्वेंटी वन उल्टा डालूंगी जो जो ये जो मिडल वाले हैं मिडल ट्वेंटी वन या ये ट्वेंटी वन हो गए यहाँ से मैं काउंट करना शुरू करती हूँ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन ट्वेंटी और ये वन अलेवन अब फिर मुझे डिज़ाइन के लिए करनी है वन वो थ्री इसके मैंने उल्टा बना लिया वन इसको फोर फिर इसके मुझे पर किए थ्री और ये एंड बोला। जी अब आपका इसका पैटर्न शुरू होने लगा ये देखें ये मैंने यहाँ किया है कि इसको मैं बता इसको ये इसका मैंने ये किया कि इसको मैंने ऐसे उठा लिया इसको आगे किया धागे को इसको धागे किया ए टू का ऐसे मैंने वन कर लिया धागा आगे करने से इसका होल बन जाएगा और ये एक थ्री ही हो जाएंगे ठीक है फिर इसको मैंने उल्टा किया अभी मुझे केबल नहीं डालनी क्योंकि केबल अभी पैटर्न स्टार्ट हुआ तकरीबन तो केबल मैं नेक्स्ट दफ़ा डालूंगी ठीक है अभी मैं इसको फोर ऐसे ही डाल लूँगी केबल के फ़ोर मैं ऐसे ही नीट कर लूँगी ठीक है ये मैंने ऐसे उल्टा किया अब इसी तरह जैसे एक मैंने बनाया धागे को आगे किया इसको करके इसको ये बना लिया ठीक ये एक मेरा पर्ल है अब फिर मैं 21 वैसे ही इसको निट कर लूँगी ऐसे सीधे सीधे ये मैं दोबारा डिज़ाइन बनाने पे आ गई हूँ ठीक उसी तरह इसको वन को मैं जब ऐसे बना लेना है वूल को आगे करना है और ये इसके स्टिचेस करनी है ठीक फिर मैं वूल को आगे करूँगी ये केबल के फोर मुझे ऐसे ही निट कर लेने हैं फिर ये एक पर्ल बनेगा ये वो डिज़ाइन इसमें ऐसे करूँगी वन और इसके दो का एक कर लूँगी और ये ऐसे बना लूँगी ठीक अब जो दूसरी ये सिलाई है रॉन्ग साइड जो है उल्टी सिलाई जो है उसमें जो पर्ल है वो पर्ल बनाने हैं जो निट है वो निट करना है सारी सिलाई मुझे ऐसे ही डाल लेनी है ओके जो सीधे हैं वो सीधे डालेंगे ये ये उल्टे हैं वो उल्टा डालेंगे चले अब मैं अब इसकी अगली सिलाई शुरू करती हूँ तो इस पर मुझे केबल भी बनाना है ये तो मैं ऐसे ही उठा के इधर उठा के इसको धागे को पीछे ले जाऊंगी ठीक ये धागा ऐसे उल्टा हो गया अब ये जो ये जो दो हैं इसमें यहाँ मैंने टू को वन किया था अब मैंने स्टार्ट में ओपोजिट साइड इसको टू का वन कर लेना है ठीक पहले टू का वन किया अब धागे को आगे करके ये मैंने ऐसे ही बना लिया ठीक इस तरह ये वन टाइम आपने ये देखें वन टाइम यहां टू का वन किया और ये आपने वो आगे जब धागा डाला ओवर किया तो ये स्टिच हो गया यहाँ पे फिर इधर टू का वन किया और ये इस तरह ये डिजाइन हर दफा ऑपोजिट एक दफा इस साइड पे एक दफा इस साइड पे इस साइड पे करते जाओगे तो ये डिजाइन बनता जाएगा ठीक है अब मैं इसको केबल को केबल तो मैंने आपको पहले भी बनाना सिखाया है ये बस इसको फोर को लो इधर डालो और ये, ये केबल तो बहुत फोर सिक्स आप ट्वेल्व जितनी बड़ी चाहो आप स्टिचेस की बना सकते हो लेकिन छोटे बच्चों पे ज़रा थोड़ी सी छोटे छोटे साइज की चीजें ही अच्छी लगती हैं इनको दो को किया ये स्किप किया वन किया और ये और ये वाले सारे मुझे ट्वेंटी वन जो हैं वो बस ऐसे ही निट कर लेने हैं यहाँ फिर मैं आगे यहाँ टू को वन करना है धागा आगे करना है ये इसको मुझे केबल को ऐसे बना केबल ये फिर टू को वन करके धागा ओवर लाओ और ये ऐसे बना लो ये अब जो रॉन्ग साइड है उल्टी साइड उसको फिर मुझे जहाँ निट है वहाँ निट करने हैं जहाँ पर्ल है, है वहाँ पर्ल करने हैं सीधे खाने सीधे बनाने हैं उल्टे खाने उल्टा बनाने हैं ठीक है थीके? चलेंगे। अब अगेन दोबारा वो हमने शुरू करनी है सिलाई अब यहां मैंने दो टू का वन किया था ठीक अब मुझे अगेन इसको वन को करके ये वाले टू को वन करनी है ओके इसी तरह डर करो केबल को मैंने बनाया था अब केबल की टू जो सिलाइया ऐसे ही डलेंगी केबल के हमने फोर वैसे ही निट करने हैं ये और ये यहाँ देखो टू का वन हुआ हुआ था टू का वन अब इसको देख के पता चल जाता है यहाँ यहाँ टू का वन हुआ हुआ था इधर यहाँ अब एक वैसे उठा के इधर अब ये मुझे ट्वेंटी वन वैसे निट कर लेने हैं ये मुझे यहां तक मैं भी निट करती हूँ आप भी करो मैंने वन टू थ्री या ऐसे जो ऐसे एंड की सिलाई है ना तो वहाँ काउंट हो जाता है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स के बाद मुझे इसको ये इसकी कटिंग कर, करनी है तो वो मैं अब तक मैं दो और डाल के आती हूँ तो आप भी डालिएगा फिर मैं आपसे मिलती हूँ ठीक है जब मैं सिक्स पे आऊँगी तो फिर मैं आपसे सिक्स बना लूँगी सेवन ये सेवन यानी कि होंगी तो ये फोटीन जैसे बना के लेकिन ये ऐसे काउंटिंग में ये दो सिलाइयों को एक काउंट होता है ना वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स जब मैं सेवन पे आऊँगी तो आपसे मीट करती हूँ ये मैंने अप टू सिक्स तक का वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स यानी सिक्स का मीन है सिक्स का मतलब ट्वेल्व सिलाइयाँ डालनी हैं अब इसके बाद मैं ये वाले ये ये जो ख़त्म होने हैं इसकी शेप बननी है वो आपको सिखाने वाली हूँ ठीक है हाँ, इसके लिए आपने बिल्कुल जो पैटर्न है उसी तरह रिपीट करना है ये मैंने वैसे ही खाना बनाना था इसको आगे किया और इन दो को दो का बन बना लिया ठीक केबल के फोर वैसे ही निट करने हैं क्योंकि केबल मैंने लास्ट टाइम इसको ट्विस्ट किया था ये ये आपने इसको ऐसे बनाना है और ये ये फोर्टीन स्टिचे तो एज पैटर्न ही बना लेने हैं अब जो आगे हमने क्या करना है ये गौर करने की बात है हमने थ्री का वन करने इनका जो मिडल वाला है ये मिडल ये थ्री को इस सिलाई में डाले इसको मिडल को उठाया लीव किया और इसको स्तर करने के बाद तीनों को वापस पहली सिलाई में डालने के बाद फिर हमने थ्री का वन किया ओके okay? ये इस तरह मिडल में दोबारा थ्री लिए मिडल वाले को इस सिलाई में उठाया इसको लीव किया इसको दोबारा वापस लेके सब सबको हमने वापस पहली सिलाई में डालने के बाद इसको थ्री को कट्ठे बनाया ऐसे तो इस तरह ये है ना इसकी वो जो मिडल में है ना मि मिडल वाला दरमियान में आता तो इसकी शेप खूबसूरत आती है कटिंग होके भी। फिर नेक्स्ट में हमने यही करना है उठाया ये किया ये और इसको उठाया इसी तरह ये ट्वेंटी वन जो है वो मेरे पास सेवन स्टिचेस रह जाएंगे मिडल में वन टू फोर ओके मैंने इसको उठाया इसको छोड़ा लीव किया ऐसे ही अब फिर अगेन इसको उठाया इसको छोड़ा ये ट्वेंटी वन के मैंने थ्री थ्री के वन कर लिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन हो गए ओके और ये जो पैटर्न वाला पोर्शन था ये मैंने एज इट इज वैसे ही बना लेना है इसको वन करो आगे करो ये अब ये रॉन्ग साइड शुरू हो गई है रॉन्ग साइड में जो पर्ल है वो पर्ल बनाना है डिजाइन में जो निट है वो निट करना है ठीक है ये मेरे पहले पर्ल के तीन वन नेट केबल के फोर इस साइड पे पल हो जाएंगे ये डिज़ाइन के तीन सीट इसको उल्टे बना लिए और ये ठीक अब ये जो सेवन है इनको मैंने बंद कर देनी है इस इस गैप को ऐसे ऐसे शेप बनाने के लिए इसको बंद कर देना है बंद करने का तरीका भी मैं आपको बताती हूँ ये एक ये सॉरी फर्स्ट टाइम दो का वन कर लो टू का वन किया इसको वापस इसी इस नीडल में लेके गए और फिर अगला एक और ले लो फिर इसको गैप ख़त्म कर दो फिर अगला ले लो एक और टू टू का वन ऐसे गैप करते जाओ फिर ले लो इसको वापस नीडल में और ऐसे कर लो फिर ऐसे ले लो फिर ऐसे कर लो फिर ऐसे ले लो ये मैंने सेवन स्टिचीज यहाँ मिडल में बंद कर दिए ओके okay? और ये वाला जो है एज इज पैटर्न इसी तरह जो सा सेम निट और सेम जहाँ जहाँ निट है वहाँ निट करना है जहाँ पर्ल है वहाँ पर्ल करना है सीधा सीधा बनाना है उल्टा उल्टा बनाना है ठीक है ये स्कर्ट मिडल की शेप बन गई अब ये वाला पोर्शन सेपरेट बनेगा और ये वाला पोर्शन सेपरेट बनेगा ठीक है इस इस पैटर्न अब मैं एक बनाती हूँ और आपको इसको मैं दो को बनाओ और okay. ये अब यहाँ पे फोर्थ हर फोर्थ फोर्थ स्लाइड में हमने केबल बनानी होती है ये फोर्थ हो गई है तो हमने इसको दो को उठाया ऐसे केबल बनाई और ये ऐसे ठीक इसको एक बनाया इसको सॉरी इसको टू का वन करना है मुझे फिर आगे करना है और ऐसे और ये मुझे ऐसे ही बना लेना है अब इस यहीं से मैं इसको रिटर्न कर लूँगी ठीक है ये बना लूँगी ये डिज़ाइन पैटर्न ऐसे ही बनाते बनाते ये देखो अब टू फाइव केबल जब फिनिश होती है उसको तमाम टू थ्री फोर फाइव केबल के बाद इसको मैंने बंद करना है यहाँ मेरी केबल अभी कितनी हुई है यहाँ हुई हैं वन टू थ्री मोर टू केबल बना के हमने इसको बंद करना है और इधर से ये इधर की सहूलत के लिए यहाँ कितने होंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवन ट्वेल्व ट्वेल्व थर्टीन पे हमने इसको ख़त्म करना है ठीक है ट्वेल्व के बाद हमने इसको बंद करना शुरू करना है ओके okay? मैं भी ये पोर्शन बनाती हूँ आप भी बनाइएगा जब हम यहाँ आते हैं फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मुझे कैसे धागा को ज्वाइन करके ये वाला पोर्शन बनाना है अगेन जी मैंने यहाँ तक फाइव केबल के बाद इसको बंद कर लिया है वन टू थ्री फोर फाइव के बाद इसको बंद कर लिया और इधर से मेरे घर में ये ट्वेल्व काउंट आते हैं थर्टीन पे बंद हुआ है अब ये वाली साइड इसी तरह हमने दोबारा बनानी है यहाँ पे आपको इस इसी वूल को दोबारा ज्वाइन करना है आप इसको लो फूल को एक बना लो और उसी तरह पैटर्न को रिपीट करो इसमें टू ये टू वाले वन होंगे पहले से करो और ये यहां से भूल जब हम नेक्स्ट आएंगे तो उसको बाइंड कर लेंगे ठीक है उसको टाई कर लेंगे इस पर केबल अब बननी है तरह हमने रिपीट करना है जहां हमारे निट है हैं वहां निट करने हैं जहां पर्ल है वहां पर्ल करना है जी यहाँ पहुँचे ये खुला था धागा मैंने इसको इसी के साथ एक दफ़ा टाई कर लेना है ताकि यहाँ से टाइट हो जाए खुला ना रहे ठीक इसको एक दफ़ा डाल के ऐसे इसको टाइट कर लिया ओके okay? अब इसी तरह मुझे ये पैटर्न रिपीट करते करते फाइव केबल के बाद इसको भी बंद कर लेना है ओके okay? जी ये मैंने यहाँ भी फाइव केबल तक उसके बना लिया इसके एक बिल्कुल इक्वल बना लिया ठीक है अब मैं इसको यहाँ से बंद कर दूंगी तब इसको बंद करूंगी उठाओ इस वैसे सिंपल वे वे जो है खाना कम करने के उस तरह सारे मैं इसको कम कर दूंगी ठीक ये थोड़े टाइट ना कीजिएगा लूज लूज ही रखिएगा वरना ऊपर से शेप उसकी वो ऐसे टाइट हो जाएगी बहुत लूज भी नहीं बस दरमियान वाला हाथ हो चले स्लाइक करके कट करके और इसको इसमें डाल के बंद कर लें अब अगला स्टेप जो ये है हमारे पास हमने इसकी ये आउटलाइन देनी है ग्रे कलर में ओके ये ग्रे कलर में जैसे ये मैंने लाइट पर्पल कलर की सारी दी है उसका ये करना है कि हमने यहाँ से उठाना है यहाँ से सारा मुझे इस खानों को इसी तरह पास ये फर्स्ट स्टिच में मैंने इसको डाला बूढ़ को ऐसे पकड़ा इसको ऐसे करके बना लिया ठीक अब ये जो नेक्स्ट स्टिच है मेरे पास इसमें डालूँगी ऐसे करूँगी और ऐसे निकाल लूंगी ठीक फिर हर एक ये एक एक ये जो मैंने बंद किया है स्टिच में से ये ऐसे डालती जाऊँगी और इसको स्टिचेस को उठाती जाऊँगी सारी अब ये सारे। एंड वाला आ गया इधर को टर्न हो जाना इसी तरह इसमें हमने ये दो सिलाइयों का एक बनता है तो एक ऐसे इसमें डालो ये ये सिलाई ऐसे यहाँ मुझे एक और डाल लेना है डालो यहाँ गैप अब ये इसी तरह ये सारे जो ये भी सेवन भी है ये भी मैंने इसी तरह उठा लेने हैं उसके बाद ये अगला स्टिच ये है Okay. And ये, ये इधर फिर ये जो टाई किया था हमने उसमें एक डब बना लो एक और ये इस तरह कॉर्नर पे आ गए हम इसी तरह ये सारे भी उठा लेने हैं कॉर्नर के बाद ये जितने इसके स्टिचेस बनते हैं और ये एंड पे एंड वाला ये मैंने सारे उठा लिए ठीक अब सिंपल अगली सिलाई पे दोबारा उसको बना बना के बंद करते जाना है इसको हमने निट करना है इसको निट कर करके इसको बंद करते जाना है इनके सीधा खाना डाल के ये सीधा ऐसे दो को बनाया मैंने इसको उठाया इसको बंद कर दिया ये ऐसे बंद कर दिया सिंपल इसको इसको उठाया इसको बंद कर दिया ऐसे बंद करते चले जाना है जी इनको सारों को मुझे एक एक करके ऐसे बंद करते जाना है ऐसे ये सीधा बनाना है यानी के निट करके इसको बंद करना है ओके निट करके जी ये मैंने पूरा चारों तरफ से इसको ऐसे बंद कर लिया है ये देखें अब अगला स्टेप इसको इसको सिलाई करने का है ठीक है ये ऐसे अब ये बहुत जो एक्स्ट्रा धागे हैं सबसे पहले तो हम इनको इसमें प्रो के काट देते हैं ठीक है इसमें डालो सुई में और इधर से ला के इसमें ठीक लाए इसको टाई किया दो दो तीन तीन, तीन को इसको कट कर दिया मोर स्क्योर हो जाएगा ये इसको तो वो तो टाई तो करने के बाद इधर से कट हो जाएगा ठीक है सिलाई इधर से स्टार्ट करना है सिलाई करना और नीचे इधर तक जाना है ओके मैं धागे को इसमें डालूंगी इधर से ऐसे सीना शुरू करना है एक दफ़ा मैं इधर से ये वाला उठाऊंगी, एक मैं इधर से ऐसे उठा उठा के इसको सिटी चली जाऊंगी। ही हम हील के पास पहुंचने वाले हैं हील आ गई है ये अब ऐसा करते हैं कि हम यहां से ये धागे को खत्म कर देते हैं और ये इस वाले धागे से दोबारा स्टार्ट कर लेंगे ठीक है मैंने इसको इधर से दबा के इसको बंद करके तोड़ लेती हूँ मैं इधर से शुरू करती हूँ ठीक है दोबारा मुझे एक-एक किसी तरह स्टिच को लेके इसी तरह इसको सीते जाना है ये मैं इसकी ये बाहर वाली साइड ले लूँगी ये जो नीडल का बाहर ले, ले लूँगी अब जब इसके हाफ में हम पहुंचेंगे ये तो डिज़ाइन तक मैंने सिया जब इसके हाफ में पहुंचेंगे फिर मैं आपको बताती हूँ फिर हमने क्या करना है ठीक है ये तकरीबन हम इसके हाफ में पहुंचने वाले हैं तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन हाँ या से, इधर से हम इसको पक्का कर लेते हैं ताकि जब हम इसको ओके अब मुझे ये करना है कि यहाँ से मुझे इनको गैदर करना है अब मैं एक एक को ऐसे ऐसे उठाती जाऊंगी इध के अंदर से ऐसे डालती जाऊंगी ऐसे ऐसे बार वाली साइड ऐसे डालती जाऊंगी यहाँ पहुँच के ऐसे इसको मुझे खींचना है और रॉन्ग सा, इस साइड से ले जाते हैं ये सारा हमने गैदर करके इसको इसको खींच लेना है ऐसे अच्छा सा ये उसका ऐसे फिर यहाँ से हमने अच्छा सा इसको पक्का कर देना है दो दफ़ा करने के बाद हम इसको ऐसे कट कर देंगे ये पाँव का अगला पंजा बन गया ठीक है ये शूज़ ऐसे हो गया ये ये हील है ओके ये हील हो गई, ये बैक साइड से और ये यहाँ से चौड़ा पंजा हो गया और ये ये बच्चों के ये डिज़ाइन काफ़ी फ्लेक्सिबल है ओ टू थ्री साइज़ में ये बच्चों के पाँव पे डिपेंड करता है अप टू सिक्स मंथ तक भी ये आ सकता है क्योंकि ये वूल होती है ये काफ़ी फ्लेक्सिबल होती है तो जैसे इसकी पाँव की शेप बन गई अब मैं ये करूंगी कि इस तरह जैसे मैंने ये डोरी बनाई है ये डोरी बना के इस पर लगा दूंगी ऐसे इससे ये होता है कि आप बच्चे का जितनी भी उसकी लेग के हिसाब से लेंथ उस तरह उसको टाइट कर लो तो शूज गिरता नहीं है ठीक है मैं अब आप आपको डोरी बनाना सिखाती अब हम डोरी बनाने का तरीका सीखते हैं ये मैंने अंदाजन थोड़ी सी बस वो ले ली है बाद में कट हो सकती है इसको यहां मैंने टाई किया टाई करने के बाद इसको ये मेरे पास मैंने एक बुक ली हुई है उसके साथ मैंने इसको क्लिप कर दिया ठीक क्लिप कर दिया अब आप देखिएगा मेरे हाथों को अब मुझे ये भूल थोड़ी सी ज़्यादा ही लंबी है थोड़ी सी लेस कर लेती हूँ ताकि आपको मेरे हाथ नजर आए ठीक अब मैंने इसको इस इस साइड से दे देखें ये मेरे हाथ इसको पकड़ के मैंने ऐसे रख के ऐसे इसको ट्विस्ट करना शुरू किया ऐसे ऐसे ठीक है ऐसे मैं इसको ट्विस्ट करती जा रही हूँ ऐसे करके एक साइड पे इधर को आके ऊपर ये वूल ऊपर ले आती हूँ यहाँ और ऐसे मैं ट्विस्ट करना शुरू कर देती हूँ ठीक इस पर पूरे हो गए जितने आप इसमें मैक्सिमम इसको ट्विस्ट कर सकते हो इतना बस इतना जैसे ये हो जाए ना ये ट्विस्ट हुआ हुआ इसको मैंने अपने मुँह में दबा लिया है इसी तरह मैं दूसरे को ट्विस्ट करूँगी ये दोनों ट्विस्ट हो गए हैं ओके ओहो क्लिप से निकल गया सॉरी से गया था। ये दोनों साइड से ट्विस्ट हो गए ठीक अब इसको ऐसे ऐसे करके ना ऐसे ऐसे साथ साथ ट्विस्ट करते जाए और साथ साथ ऐसे करते जाए ये या इसको अब पहले तो मैंने इस साइड को किया था ना या इसको पकड़ के बाहर की साइड पे ट्विस्ट कर लो ऐसे पहले मैंने उस साइड पे किया था अब ये मैंने इसको बाहर की साइड पे ऐसे ट्विस्ट कर रही हूँ ठीक पहले मैंने इधर से लाके ऐसे ट्विस्ट किया था हाथों को अब मैं इधर से इधर लेके जाऊंगी हाथों को ठीक समझ आ गई इधर से वापस ओपोजिट साइड पे ट्विस्ट करूंगी दोनों को तो ये डोरी बन जाती है ठीक जब ये बन गई तो मैंने इसको इधर नोट कर लिया एक दफा मैं फिर आपको बता दू ये देख ये मेरी डोरी हो गई पहले मैंने हाथों को भूगल में दबा के ऐसे ट्विस्ट किया ये देखिए जैसे वूल है पहले मैंने ऐसे ट्विस्ट किया ऐसे दोनों को फिर जब दोनों को मैंने इकट्ठा करके तो ऑपोजिट साइड से ट्विस्ट करना शुरू कर दिया ऐसे तो ये डोरी बन जाती है ठीक अब मैं डोरी को यहाँ से कट करके इसको सुई के अंदर परोने लगी हूँ ये पिंक बीड है ठीक है ये मैंने मैंने पिंक बीड इसमें डाले और यहाँ मैंने एक और नोट करके टाई किया टाई करने के बाद इधर से मैं कट कर दूंगी और ये बीड इधर चले गए और ये वाले जो शूज़ हैं इस वाले होल से इस होल से मैंने इसको अंदर डाला ऐसे फिर ये वाला जो होल इससे मुझे ऐसे बाहर निकाल लेना है इसको ऐसे और फिर ये दो बीट मैंने उसके अंदर डाल के इसकी जितनी लेंथ रखनी है डोरी की उतनी रख के उसको मैंने कट कर देना है मेरे ख्याल में इससे देख लेते हैं इसकी लेंथ कितनी है उस हिसाब से इसको रख लेते हैं तकरीबन तो ये लेंथ पूरी हो रही है पूरी बन रही है ओके तो इसको मैं ऐसे इसको टाई कर दूंगी। टाई करने के बाद इसको ऐसे मैं कट कर लूंगी और ये मेरे बेबी शूज़ रेडी पिंक कलर के बीड है मैं ट्राई करूंगी इसमें बीड भी मैं ग्रे ढूँढ के लगाऊँ तो वो फिर ज़्यादा पीटी लगेगी लेकिन बच्चों को तो सब तरह की चीज़ें ही अच्छी लग जाती हैं ये मैंने ऐसे ट्राई किया ये बेबी शूज़ बन जाएगा अब मेरे पास बेबी तो नहीं है लेकिन जब मेरी बेटी छोटी होती थी उसके मेरे पास एक डॉल पड़ी हुई है तो मैं उस ये ऐजा बिल्ला हमारे पास डॉल है ये डॉल है मेरे पास तो मैं उसके पाँव पे आपको पहना के दिखाती हूँ आई होप ये इसका पाव काफी बिग साइज का है बच्ची का अब मोटी है ये मोटे पाव के साथ आइए ऐसे ऐजा बिल्ला चलो बेटा ये देखो ये देख ये, ये मैंने इसकी हील को यहाँ कर दिया और ये इसको अब हम टाई कर देंगे जितना साथ रखना है इसकी वैसे लग काफी मोटी है बच्चों की न्यूबॉर्न बच्चों की इतनी है मोटी टांग नहीं होती वैसे लग। तो मैंने ऐसे इसको ट्राई कर दिया ठीक ये ये इसका पैटर्न यहाँ से आ गया और ये इसकी शेप बन गई आगे से ये तो ये थोड़ा सा बड़ा साइज़ है क्योंकि इसका पाँव थोड़ा सा छोटा है तो ये पूरा हो जाएगा आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा मेरा बूटी तो मैं सुन आपको इसी से रिलेटेड जो मैंने इसी से मिलती जुलती ये कार्डिगन बनाया है जिसके साथ मैंने मैचिंग बूटी बनाए थे उसकी भी जल्दी ही आपको वीडियो अपलोड करके दिखाऊंगी ओके अल्लाह हाफिज़